सिगरेट पीना कैंसर का कारण और जानलेवा है। शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक। Take the next ride. Destination will be on the right. रोका अरे क्या हुआ? क्या हुआ? क्या बात है थीरू? पता नहीं। कौन हो तुम लोग? इस जंगल में क्या करने आए हो? सर एक्चुअली वो अपन लोग मेरे को हाथ लगाया, वो तो बस लाल चंदन चुराने का धंधा है मेरा। सिविल ड्रेस में आओगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि तुम सब पुलिस वाले हो। जी आप गलत समझ रहे हैं, आप जैसे सोच रहे हैं वैसा नहीं है। हम पुलिस वाले नहीं है सर, हम लोग तो एक जरूरी काम से कहीं जा रहे थे और गलती से इस जंगल में फंस गए। प्लीज सर हमें छोड़ दीजिए, अगर नहीं जाने दिया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्लीज मीना, लगता है इसे मेरी बात समझ में नहीं आ रही, तुम समझाओ ना। सर 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 आप जैसा समझ रहे हैं ऐसा नहीं है सर, हम किसी जरूरी काम से जा रहे थे और एक गलत टर्न लेने की वजह से इस जंगल में पहुंच गए। प्लीज सर हमें जाने दीजिए सर। ये लाल चंदन भी बहुत अच्छा लग रहा है। ची? ये लड़की मेरे पास रहेगी, तुम सब जाओ यहाँ से। लफड़ा बढ़ जाएगा यार, चल यहां से। ओए थिरू आजा यार। Oh!
आप गलत रूट की वजह से यहाँ आ गए हैं, लेकिन बहुत दिनों से पुलिस जिस मुजरिम को ढूंढ रही थी आपने उसे पकड़वा दिया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हाँ, आप लोगों की गाड़ी को क्या हुआ? वो लगता है इंजन में प्रॉब्लम है। आपको जहाँ जाना है हम छोड़ देंगे। कांस्टेबल जाओ इनके साथ। आखिर कौन हैं ये लोग और कहां जा रहे हैं, क्या खोज रहे हैं ये सब? आप लोग यही सोच रहे हैं कि एक बहुत ही सीरियस फिल्म है। क्या आप ये सोच रहे हैं कि फिल्म का हीरो बहुत ही खूंखार फाइटर है? तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। सच्चाई तो ये है कि ये दुनिया का सबसे फुकरा दोस्तों का गैंग है। ये लोग तो इतने फुकरे हैं कि छोड़िए, आप लोग खुद ही देख लीजिए। ये रहा फिल्म का हीरो थिरू। उम्र छोड़िए, काफी सालों से सबको एक ही बता रहा है, काम मैट्रिमोनी, सीधे शब्दों में कहें तो शादी करवाने वाला ब्रोकर। इस बिजनेस में ये क्यों उतरा? क्योंकि इसको कहीं भी नौकरी नहीं मिली। और नौकरी क्यों नहीं मिली आप समझ ही गए होंगे, ऑफ कोर्स क्योंकि इसके पास कोई ढंग की डिग्री नहीं है। और जो खुद को हीरोइन समझ रही है वो कौन है खुद ही देख लीजिए। थीरू, वो ना हमारी मैट्रिमोनी में एक नई लड़की ने अप्लाई किया है, उसके लिए एक मैच ढूंढते हैं। चलो। प्यार अलग है, दोस्ती अलग है। मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे जैसी लड़की चाहिए तुम वैसी बिल्कुल नहीं हो। कितनी बार समझाऊं? जब किसी लंबे सफर पर हम निकलते हैं तो पंचर के जैसे स्टेपनी साथ रखते हैं ना। तुम चाहे किसी से भी प्यार कर लो, लेकिन तुम्हारी बैकअप ऑप्शन तो मैं ही हूँ। तुम भी चाहे किसी से भी प्यार कर लो, तुम्हारा स्टेपनी लवर तो मैं ही हूँ। कितनी बार समझाऊं तुझे, मुझे तुझमें इंटरेस्ट नहीं है। सेकंड हैंड गाड़ी लेते वक्त भी लोग कई बार सोचते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा लुक्खा है कि सेकंड हैंड लवर एक्सेप्ट करने को भी तैयार है। इसका नाम है आकाश। अब आप मिलेंगे थीरू की खतरनाक फैमिली से। पापा, कौन सा अर्जेंट काम है, मुझे ऑफिस से क्यों बुलाया? तू शहर के हर कुंवारे लड़के के लिए दुल्हन ढूंढता रहता है ना, लेकिन आज मैंने तेरे लिए एक लड़की ढूंढी है। लड़की देखकर तू चौंक जाएगा। इस लड़के की शादी तो मैंने एक साल पहले ही करवा दी थी। कितनी बार समझाया आपको, मेरे ऑफिस में आकर लड़कियों की फोटो मत चुराया करो। बाप बेटे बहुत देर से कुछ न कुछ खुसुर फुसुर कर रहे हो। मुंह तो चल रहा है लेकिन कुछ भी आवाज नहीं आ रही। सुनिए, ये सब फालतू काम करने से अच्छा है माँ को सुनने वाली मशीन ला कर दो। ये क्या कह रहा है? अगर इसके कानों में मशीन लगा दी तो लोगों को पता चल जाएगा ना तेरी माँ बहरी है। और गला फाड़ कर इतना माँ से। वैसे तो हर फैमिली में एक ना एक पागल होता है, लेकिन एक ही फैमिली में तीन पागल आप पहली बार देख रहे होंगे। वहाँ एक फाइल रखी थी, कहाँ चली गई? हाँ, बाथरूम की टाइल से पानी लीक हो रहा है। ये है डॉक्टर रामकृष्णा। इस फिल्म में इनका काफी वजनदार रोल है। वैसे तो ये दिल्ली से हैं, लेकिन चेन्नई में रहते हैं। बोलते हुए हिचकिचाहट हो रही है कि पुत्र तेरे दिल थोड़ा नाजुक है, इसलिए अगले 10-15 दिन में। क्या? 10-15 दिन में मैं मर जाऊंगी? मरने वाली है ये जान के खुशी से नाच रही है तू? मेरी मौत मैं तो नहीं देख पाऊंगी, लेकिन आप देखकर मस्त एंजॉय करना डॉक्टर, ये लीजिए। क्या बात है? पेंसिल छीलते समय ब्लेड से कट गया था, काफी खून निकल गया। सेप्टिक ना हो जाए इसलिए मैंने पट्टी कर ली है। अब पेन किलर भी खा ली है। टेटनस का इंजेक्शन लगा दो, आई मीन ATS लगा दो, ओके हो जाएगा। वो भी तुम खुद ही लगा लो ना। ओके डॉक्टर, इंजेक्शन दे तो मैं खुद लगा लूंगा। चुप, नर्स यहां, इनको ATS का इंजेक्शन लगा और सुबह खाने के लिए साथ में TT इंजेक्शन भी दे देना। अरे ये नाड़ी इतनी टिक टिक क्यों कर रही है? वो मेरी घड़ी है। नर्स, इसे वो एंटीबायोटिक दो, सुबह खाली पेट मत खा लेना। शर्ट डालकर खा लूंगा। अरे तू कौन है यार? I'm थीरू। I'm डॉक्टर रामकृष्ण। डॉक्टर, क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है, जान निकल जाएगी बच्चे की। पेंसिल छीलते समय जरा सी लग गई और उस चीज पे तुमने बवाल मचा के रखा। वहीं दूसरी तरफ एक लड़की 15 दिन में मरने वाली है। 15 दिन में मरने वाली है, ये बात जानते हुए भी प्रभु देवा की तरह डांस करते हुए चली गई। वो कौन है डॉक्टर? मेरी मौत कंफर्म हो गई है। वहाँ जो येलो सूट में जा रही है ना, वही लड़की है वो।
पेंसिल। सर, उस लड़की को ऐसे क्यों घूर रहे हो, उसे जानते हो क्या? हाँ, मैंने उसे पहली बार एक मंदिर में देखा था। एक बूढ़ी औरत पर उसका उमड़ता प्यार देखकर मैं चकित रह गया। अरे बेटा, वो तो उसकी दादी तक नहीं है, वृद्ध आश्रम में रहने वालों को शहर लाकर उन्हें नए कपड़े देती है और उन्हें वो बेचारी अपने हाथों से खाना भी खिलाती है। सच कह रहा हूँ, मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूँ सर। एक दिन पूरा शहर बंद था, ऑटो बस कुछ भी नहीं चल रहा था। उस समय मैं बस सोच रहा था कि उसे कैसे पटाऊं, कि तभी हम लोग बहुत आगे तक निकल चुके हैं, तू कैसे भी टैक्सी पकड़ कर आ जा। बेचारी की सहेलियां आगे निकल गई और वो अकेली बाजार में फंस गई। तभी मुझे सड़क पर खड़ी एक बुलेट दिखाई दी। ऐसा फील हुआ जैसे एक भूखे के सामने शाही पनीर परोस दिया हो। सर, आपकी बुलेट। मस्त तेजी से चल रही मेरी प्रेम गाथा को भगवान ने अचानक से ब्रेक मार दिया और हमारा एक्सीडेंट हो गया। आंखें खोल कर देखा तो ऐसा लगा वो टल्ली होकर गिर पड़ी है, मेरा मतलब है वो नदी के पानी में गिर गई थी। तुम्हारी वजह से मेरी शर्ट एक साइड से पूरी तरह फट गई है। अरे, ये आपके बचपन की फोटो है क्या? ए, इधर दो। मस्त लग रही हो। दो? अरे रुको रुको। क्या चल रहा है बॉस? ए, मेरा फोन, मेरा फोन। क्या चल रहा है बॉस? इतनी इजी बॉल पर आउट हो जाने का मैं शोक मना रहा था कि अचानक भगवान ने अगले ओवर में ही गुज्जू भाई पुष्पराज को फालतू बॉलर के रूप में भेज दिया। मेरी घरवाली की इज्जत किसने लूटी? किसने? एक्सक्यूज मी, आप लोग किसी ड्रामा कंपनी से? भाई की बीवी को तू ही उठा कर लाया था ना? कैमरे, समझ में नहीं आया? मेरे लिए मेरी बुलेट ही मेरी बीवी समान है, तुम ही इसे लेकर आए हो ना? तुम्हारी बीवी का मैंने थोड़ा फायदा उठा लिया। अरे ये क्या कर दिया इसने? सॉरी। अच्छा, मेरी बीवी का तूने फायदा उठाया ना, अब मैं तेरी बीवी का फायदा उठाऊंगा। तरी तो मरी गयो मम्मी। फिर उसके दोस्त उसे लेने आ गए। कलर्स के किसी सुपरहिट सीरियल की तरह चलने वाली मेरी प्रेम कहानी एक ही एपिसोड में खत्म हो गई। अच्छा, तो उसे बताया तुम उसे प्यार करते हो? वो कुछ ही दिन की मेहमान है ना, इसीलिए वो अपना प्यार शायद मुझसे छुपा रही है सर। उस सब की चिंता तुम मत करो, उस लड़की को मना कर सीधे मेरे पास आकर आई लव यू, मतलब तुम्हारे पास आकर आई लव यू कहलवाना मेरी जिम्मेदारी है। ओके? शिवानी जो कुछ ही दिनों में हम सबको छोड़ के चली जाएगी, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। हम उसे बचा लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है, उसके ऑपरेशन के लिए जितना भी खर्चा होगा वो सारा हमारी एसोसिएशन उठाएगी। सारा मैडम? हाँ, सारा बोल रही हूँ, कहिए। 10 तारीख को पोंगल के त्योहार वाले दिन हमने मंदिर में पूजा रखी है। रोटरी क्लब की तरफ से बेस्ट सोशल सर्विस के लिए आपको सम्मानित करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, मैं तो खुद मंदिर दर्शन के लिए जाना ही चाहती थी, लेकिन भगवान ने मुझे खुद ही बुला लिया। ये सब कैसे हुआ, इतनी कम उम्र में आपके साथ? मुझे भी थोड़ी देर पहले ही पता चला, मैं 10 तारीख को जाने वाली हूँ। आप कितनी आसानी से ये सब कह रही हैं? इसमें क्या है, अगर भगवान का बुलावा आता है तो सबको जाना ही पड़ता है ना। एक्सक्यूज मी, हेलो। कलश उठाने की प्रक्रिया भी अपने हाथों से करें। सुबह को उठाएंगे या शाम को उठाएंगे? हे भगवान, अब उठने का समय भी तय करना जरूरी है क्या? हाँ जी, जाने से पहले सब कुछ कंफर्म कर लेना चाहिए ना। एक मिनट,
क्या हार भी पहनाएंगे? हाँ, अरे इतना सब करने की क्या जरूरत है? हार के पैसों से आप किसी गरीब को खाना खिला दीजिए। क्या हुआ? हे, 10 तारीख को मैं यहाँ नहीं रहूंगी, जाना जरूरी है, बुरा मत माना मुझे। क्या जाना बार? चलती हूँ। हाँ, हमारी फ्रेंड को निन्यानवे शादियाँ करवा चुका है, 100वीं शादी जरूर तेरी ही होनी चाहिए, लेकिन 15 दिन में लड़की मरने वाली है, पागल हो गया क्या? क्या कहा, 15 तोला सोना देंगे? मैं तो 50 तोला सोना लाई थी, भले ही तुम धुले थे, और मेरे बेटे के लिए इतना कम? हे भगवान, वैसा कुछ नहीं है, वो लड़की 15 दिन में। आपका चिल्लाना झेला नहीं जाता, ऊपर से आप पागलों की तरह हाथ छोड़ दे बेटा, एक ही है। तू मेरा इकलौता बेटा है ना, तेरी शादी के लिए मैंने बहुत सारे सपने देखे हैं। अगर तू 15 दिन में मर जाने वाली लड़की से शादी करेगा तो मेरा दिल टूट जाएगा ना। पापा, आपने भी सबके ना कहने के बावजूद भी मेरी दोनों कान से बहरी माँ से जिद करके शादी की थी ना। मैं भी आप ही का बेटा हूँ पापा, कितने दिन साथ रहेंगे ये जरूरी नहीं है, मैं उससे कितना प्यार करता हूँ ये जरूरी है, मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगर वो कह रहा है कि उसे लड़की पसंद नहीं है तो आप जिद क्यों कर रहे हैं? क्या हुआ, कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जैसे बोलने से तुझे बड़ा समझ में आ जाएगा ना पागल। मैं पागल? तुम पागल, तुम्हारी माँ पागल, तुम्हारा बाप पागल, तुम्हारी माँ? कोई ऐसे देख लेगा तो पूरे परिवार को ही पागल समझेगा। टांग तोड़ दी बाप ने। सुन, एक पागल शब्द तुझे कैसे सुनाई दे गया? छी, सुसु आया तो बाथरूम चाहिए ना, इधर क्यों पड़े हैं? ये सब मेरी ही गलती है। अब कौन सी गलती की आपने? अरे बाप रे, इसे कब क्या सुनाई देता है कुछ समझ में नहीं आता। सीधे सीधे I love you. चलो लिखो। डर से इस लड़के की आंखें बाहर आ गई हैं। हाँ? और इसके हाथ थर थर कांप रहे हैं। और इसकी धड़कन मेट्रो रेल की तरह धड़क 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 करके भाग रही है। क्या सर, डर गए क्या? हम सब साइकोलॉजी स्टूडेंट्स हैं। जब एक मामूली से लड़के को एक खूबसूरत लड़की आके अचानक से आई लव यू कह दे तो रिएक्शन कैसा होगा, यही टेस्ट कर रहे थे। शहर में हजारों लड़के हैं, तुम्हें एक अकेला मैं ही मिला क्या? कूल कूल सर, टेंशन मत लीजिए, कम लेट्स टेक अ सेल्फी। सर का फोन। दे देगी सर? व्हाट्सएप पर तुम ये फोटो सेंड कर देना मुझे, अपना नाम और नंबर तुम्हारे फोन में सेव करेंगे। खामखा गले पड़ रही है। ओके हैंडसम, बाय बाय बाय। कुछ नहीं, चलो निकलो, दूसरे सीडेंट को चलो 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 पकड़ते हैं। ओए, 15 दिन में मरने वाली सारा से तू प्यार का इजहार करेगा, पर तूने 5 दिन पहले ही वेस्ट कर दिए हैं। अब सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तू अपने दिल की बात कब बोलेगा यार? हाँ, आज ही बोल दो। वैसे मेरी कुंडली के हिसाब से मुझे कोई सेकंड हैंड ही मिलना लिखा है। थीरू, ये मेरे लिए ठीक है, तू जा यार। पूजा की थाली देना। जी सर। सारा आ गई है, अपने दिल की बात बोल दे। हे भगवान, शिवानी की उम्र लंबी करना। हे भगवान, सारा को लंबी उम्र देना। ओए, रिंगटोन बदल अपनी। खुश रहो बेटी, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। लंबी उम्र किसको चाहिए चाचा, 10 दिन जियो लेकिन शान से जियो। जीती रहो बेटी। त्र्यंबकम् नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम श्री महादेवाय नमः। मैं परिक्रमा करके आता हूँ। दाईं तरफ से शुरू करना।
स्वामी जी नमस्ते, नमस्ते। वो भगवान से क्या मांग रहे थे? वो लड़का किसी से प्यार करता है और उस लड़की के पास सिर्फ 15-20 दिन ही बाकी हैं, लेकिन उसकी लंबी उम्र की मन्नत मांगकर वो ये पूजा कर रहा है। सच में वो लड़की बहुत भाग्यशाली है। ए, हमें वो एक लड़का मिला था ना थिरु? हाँ? वो जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं है यार, बहुत अच्छा निकला वो तो। ऐसा क्या किया उसने पर? शिवानी के बारे में सब कुछ जानने के बावजूद वो उसे शादी करना चाहता है। सच में? हाँ यार, he's really great। सारा बेटी। पापा, कहाँ गए थे आप? मेरी प्यारी बेटी सारा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, मेरी तो सांसें फूल गईं। सारा, उस दिन अस्पताल में मुझसे वो मिलने आई थी ना, वो तुम्हारी दोस्त शिवानी, जिसका तुम अपने एसोसिएशन के जरिए ट्रीटमेंट करवा रही हो। हाँ? उस लड़की से एक लड़का प्यार करता है और उसे शादी भी करना चाहता है। वेट, उसने दाढ़ी रखी हुई थी क्या? यस थिरु। हाँ, वही। मुझे भी ये बात अभी पता चली। उस लड़की से बेहद प्यार करता है बेटी। उस लड़की का आज अपने हॉस्पिटल में ऑपरेशन है। सर, थिरु, एक गुड न्यूज है। वो जो 15 दिन में मरने वाली लड़की थी ना, जब मैंने उसे तुम्हारे प्यार के बारे में बताया तो उसकी पल्स और हार्ट बीट सब नॉर्मल हो गई है। उस लड़की का मैंने आज ही ऑपरेशन किया था। इट्स अ मैजिकल मिरेकल। उस लड़की की उम्र बढ़ गई है। सर, सच में? हाँ थिरु, प्यार की ताकत मुझे आज समझ में आई। उसने कुछ कहा क्या सर? पहले तो वो हिचकिचाई, फिर मेरी बेटी ने खुद तुम्हारे बारे में उससे बात की और उसे मना लिया। ओह, सो स्वीट। अपनी बेटी को मेरी तरफ से थैंक्स कहना सर। मेरी बेटी यहीं खड़ी है, तुम खुद ही उसे कह दो। बेटी, शिवानी का बॉयफ्रेंड थिरु। अच्छा, थिरु है? हेलो। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक्चुअली शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए। अच्छा थिरु, तुमसे कुछ पूछना था। उस लड़की में तुमने ऐसा क्या देखा? उसकी खूबसूरत शक्ल ने मेरा मन मोह लिया। हाँ? आपकी हंसी भी उसकी हंसी जैसी ही है। सही टाइम पर आ गए हो डॉक्टर साहब। मेरी गर्लफ्रेंड को भी साथ लेकर आए हैं। अरे बाप रे, ये एंटिक पीस कौन है साथ में? डॉक्टर की बेटी होगी, शक्ल से तो नहीं लगती, शायद माँ पर गई होगी। हम यहाँ पर आए हैं दो दिलों का मेल करवाने के लिए। तुम्हारे दिल में जो भी है खुलकर बोलो। कम ऑन। पहली बार मैंने तुम्हें जब देखा था मुझे तभी प्यार हो गया, लेकिन तुम हाँ करोगी या ना करोगी दिल में थोड़ा सा डर था, बट तुमने हाँ कर दी, वो भी इसके समझाने पर। आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा, इनके दिल में क्या है इन्होंने कह दिया, अब तुम्हारे दिल में क्या है वो तुम भी बोल डालो। दिल में चाहे जो भी हो, लेकिन एक लड़की के लिए खुलकर पब्लिक में प्यार का इजहार करना थोड़ा मुश्किल होता है। I understand. लेकिन इन आंखों में उमड़ता हुआ प्यार मुझे दिखाई दे रहा है। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए। नमस्ते। लड़की के नए नक्श तो बहुत सुंदर है। एक अच्छा सा दिन देख के शादी करवा दें क्या? बिल्कुल, क्यों नहीं? यहाँ आकर क्या बेकार की बातें कर रहे हो? कोई अच्छा सा दिन देकर शादी करवाने की बात करो ना। बाप रे, कानपुर में हड़ताल है। सर, इसे ना थोड़ा कम सुनाई देता है। लेकिन मुझे ठीक से सुनाई देता है। सब्जी जी, बहुत मजा किया है। आज दोनों परिवार कितने खुश हैं और उसकी वजह बस ये लड़की है, जिसका मैं बहुत आभारी हूँ सर। क्या मैं उसके साथ एक मिनट? जाओ जाओ जाओ।
थैंक यू सो मच। ये क्या कर रहे हैं? दस बार थैंक्स, हजार जोड़ी तो कमाल की लग रही है ना? ए, जरा देखो तो इन्हें। या दुबई राजा ही बोल रहे है भाई, इंडिया में इंडिया आने के लिए आप उनके पास टाइम नहीं है भाई। बाय बाय। और बंटा है, तू शादी के लिए रेडी तो है ना बिडो? हाँ बिल्कुल। 7:30 बज रहे हैं, अगर अभी है शादी की तो जिंदगी भर पछताएगा। नहीं तो वो आत्महत्या कर लेगी। ऐसा शादी करेगा तो तुझे आत्महत्या करनी पड़ेगी। लड़की तो है दिल्ली की पर रहती है चेन्नई में, ये उसकी फोटो। इस छोकरी को रिजेक्ट कर दे। क्यों यार? क्योंकि अपन बोल रहे हैं। पर रिजेक्ट क्यों करूं? आपने तो कहा था मेरी गर्लफ्रेंड एकदम ठीक हो जाएगी, लेकिन वो रोड पर चक्कर खाकर गिर गई। लेकिन वो तो मेरे सामने बैठ के मसाला डोसा खा रही है। क्या मसाला डोसा? अरे छोले भटूरे आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, इसलिए गैप में डोसा मंगवा लिया। ओए डॉक्टर, मेरी गर्लफ्रेंड कंफर्म मेरे सामने है। तुम कहां पर हो? रुको, आप दोनों इंसानों की तरह बात करो प्लीज। तुम्हारी लवर को लेके आया हूँ थिरू। सर हाँ, ये तो आपकी बेटी है सर। ये रही मेरी लवर। अरे हाथ रहा, ये देख लवर। हाथ क्या है? पापा नो। अरे वो मेरी बेटी है। मेरी बेटी को लवर बोल रहा है और लवर को बेटी बोल रहा है। इसका मतलब आपकी डॉटर ही मेरी लवर है। अरे क्या कंफ्यूजन है? वेट, अच्छी तरह बताओ कौन है बेटी और कौन है लवर? ये तो बोल चुका है, आप दोनों ही भटक गए हो। डॉक्टर डॉक्टर, लवर लवर। सोच क्या रही हो? 15 दिन में मरने वाली हो ये जानते हुए भी ये आपसे शादी करना चाहता था, मतलब सोच लो आपसे कितना प्यार करता होगा। पहली बार मैंने तुम्हें जब देखा था मुझे तभी प्यार हो गया। ये सब कैसे हुआ इतनी कम उम्र में आपके साथ? लेकिन उसकी लंबी उम्र की मन्नत मांगकर वो ये पूजा कर रहा है। तुम ये सब मेरे लिए कर रहे थे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। नहीं, इस बात को यहीं खत्म कर दो। ऐसा बोलूंगी सोचा था, लेकिन सच तो ये है कि प्रॉमिस तिरुपति के निवासी हमारे अपने गली बॉय थीरू और दिल्ली के निवासी हमारी लक्ष्मी सौभाग्यवती क्वीन सारा में लव आजकल होने की वजह से रब ने आज इनकी जोड़ी बना दी है। दोनों की इस लुका छुपी को देखकर हम सब आज यहाँ हाउसफुल होकर दोनों घर के बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ राजी खुशी से धूम मचाकर ये विवाह आज तय करते हैं। पंडित जी हाँ? आप लगता है बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हो। आप सत्य कह रहे हैं। बातों से लगाए। अरे हाँ मैं बताना भूल गया, ये सारा की बहन है, मेरी बड़ी बेटी गायत्री है और ये मेरे दामाद डॉक्टर अरुण। थीरू ने अपने मैट्रिमोनी कंपनी के जरिए अब तक 99 शादियां करवाई हैं और अब ये 100वीं शादी उसकी खुद की हो रही है, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। समधी जी, अगले शुक्रवार को सब तिरुपति चलते हैं और वहाँ भगवान के दर्शन करके नीचे उतरेंगे और उसी दिन शाम को रिंग चेंजिंग सेरेमनी एंड रिसेप्शन और अगले दिन सुबह ही शादी करवा देंगे। क्यों ध्रुव, ठीक है ना? ध्रुव हाँ
जब ब्रदर को ब्रो कह सकते हैं तो दामाद को द्रो क्यों नहीं कह सकते? सुनिए, मुझे एक आइडिया आया है। अगर इस शादी को तिरुपति में रखे तो कैसा रहेगा? अरे समधी जी, वही तो कह रहे हैं। अच्छा, निमंत्रण भी छपवाने की जरूरत नहीं है। समधी जी अगर पहाड़ पे खड़े होकर चिल्लाएंगे तो पूरा शहर वैसे ही आ जाएगा। राजा का फोन है, बात कर। क्या धीरू, कैसा है छोटे? अरे मैं तुझे ही फोन करने वाला था, कैसा है तू? अच्छा हूँ बच्ची। ओके ओके, तू कल ही यहाँ पर आ जा। बोले तो? संडे को तिरुपति में मेरी शादी है। क्या मैं कल आ जाऊँ? अरे तू पागल है क्या? दुबई में आप उनके चार चार होटल है, अगर मैं इंडिया आ गया तो कौन संभालेगा ये? अबे कमीने। अबे गाली मत दे। ठीक है, मैं कल ही वहाँ आता हूँ और तेरी शादी भी करवाऊंगा। ओके। कौन था ध्रो? सर मेरा दोस्त था दुबई से, राजा। हम दोनों बचपन से ही बहुत जिगरी दोस्त हैं। फ्रेंड के लिए जान भी दे सकता है। ओ दुबई, तो लव मैरिज करेगा कि अरेंज मैरिज? शादी करने का मतलब सर पटरी पर रखने के बराबर होता है। अभी बेशक राजधानी एक्सप्रेस आया या लोकल ट्रेन आया, मरना तो निश्चित है। परसों थीरू की शादी है, ये अशुभ बातें मत कर। शादी खुदे कब शगुने छोड़े? इस बेचारे की अभी तक शादी नहीं हुई इसलिए ये चिढ़ रहा है। मेरी वाली अलग ही रेंज की है, सिंपल एंड होमली। इधर आ, आजकल की लड़कियां बस आईफोन देखते समय ये सर झुका दिया, पता है? मुझको लव हुआ, तुझे जानता नहीं, तेरे को फोटो दिखाता हूँ, देख देख कैसी लगी। लवलिक्स नाम की एक वेबसाइट है। थिएटर, बीच, पार्क में जाने वाली पब्लिक के करतूते हैं मस्त में ये लोग रिकॉर्ड करके वहाँ अपलोड कर डालते हैं। तेरी मैडम का ये वीडियो लीक हुआ है दुबई में होके, मेरे को पता, तुम लोग को नहीं पता। ओए, इन जैसे डेढ़ शानों को बजाना चाहिए। ए थीरो, फोन लगाओ। चल थीरो, नहीं यार, गलतफहमी हुई है, मेरी बात मान, कोई गलतफहमी हुई है यार। एंगेज आ रहा है ना, उसी से बात कर ली। और जवानी में बॉयज के साथ नहीं लगा गया? कॉल नहीं लगा तो क्या, रोक। वीडियो रिकॉर्ड करके गंदी गंदी गालियां देके उसको भेज डाल। गंदी गंदी गालियां, चाल। गाली तो क्या सारा, मैं तुम्हें दिल से चाहता था। अरे? और तुम कट क्यों किया? मैं तुझे दिल से चाहता था। अबे जब भी मैट नहीं देखी क्या सारा, तू तो बिल्ली की बच्ची निकली रे। ऐसे गाली देना यार, तू शुरू तो कर, आगे मैं संभाल लूंगा। हाँ चल, चालू कर तू। अबे सारा, तू तो सच में बिल्ली की बच्ची है। अबे अब क्या हुआ, ये बिल्ली और बच्ची में इतना गैप काई को यार? तेरी बातों से क्या लग रहा है पता है, जैसे बिल्ली को मस्त बच्चा पैदा हुआ है। ऐसे नहीं होता। बिल्ली की बच्ची, 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 बिल्ली की बच्ची। अबे ओ सारा, तू तो एक बिल्ली की बच्ची निकली। मैं तो पागल हो गया था तेरे झूठे प्यार में, लेकिन एक नहीं, तुझे तो अनेक चाहिए ना। तेरा जीजा आम की गुठली की तरह दिखता है, और तेरा बाप वो सिर्फ मेरा ससुर नहीं है, मेरे जैसे बहुत से दामादों का वो ससुर है। तेरे जैसे नीच खानदान से हम जैसे ऊंचे खानदान का रिश्ता होने से अच्छा है कि हम जहर खाकर मर जाए। पता है मैं कितना ज्यादा प्यार करता था तुझसे? उस दिन नया फोन दिलाते वक्त कहा था कि पुराना फोन एक्सचेंज कर, तुम्हें मंजूर नहीं था। कहा मैं पुराना फोन रखूंगी और नया फोन भी रखूंगी डबल सिम वाला। तब समझ में नहीं आया, आज समझ में आया कि तुम्हें हर चीज डबल चाहिए है, लेकिन मुझे मंजूर नहीं। आई एम योर सेकेंड हैंड, शायद थर्ड हो सकता हूँ, फोर्थ भी हो सकता हूँ, सिक्स्थ भी हो सकता है। सुन, ओए, क्यों बे, तुझे क्या लगा थिरू के पास और कोई नहीं है? आज से मैं थिरू की गर्लफ्रेंड हूँ, मैं करूंगी इससे शादी। सुपर सुपर, अब तो उसका भेजा ठहरा जाएगा। तू कैसा दोस्त है, दोस्त की जिंदगी के साथ खेल रहा है? क्या कहा, अपन जिंदगी से खेल रहा है? अरे खेल तो इसके साथ रही थी, पता है ना फ्रेंड कौन होता है? फ्रेंड लिख के देख, लास्ट में एंड आ जाता है, जो एंड तक साथ चलता है उसको बोलते हैं फ्रेंड। अब देख सारा को भेजता हूँ। नहीं, Hmm.
कौन है बे? ए, सुबह से तेरा फोन ट्राई कर रहा हूँ बेटा। पापा, समधी जी बार बार फोन करके पूछ रहे हैं कि कहाँ हो तुम, कब आओगे? कौन कौन, किसका किसका फोन है, किसका है? कौन? पापा, इमीडिएटली स्टॉप द वेडिंग, शादी रोकने को बोल। हे पापा, नहीं नहीं फोन दे मुझे। अबे फोन दे, अबे इधर लो, क्या कर रहा है? अरे फोन ले इधर, पागल हो गया क्या? अबे मार इसको, ये ले। अभी जो आपने सुनी वो एक खुशहाल हंसी थी। अभी जो हंसी मैं सुनाने जा रहा हूँ, सोचिए कि शादी से पहले दुल्हन का अफेयर मेरे जैसे किसी स्मार्ट लड़के के साथ चल रहा हो और ये बात सबको पता चल जाए तो सारे लोग दूल्हे पर कुछ इस प्रकार हंसेंगे। अरे सुनिए, देखिए राजू को कोई मार रहा है। और मारो, कौन हो तुम लोग, क्यों मार रहे हो? आपके बेटे ने मेरी होने वाली पत्नी के साथ, अरे छोड़ो उसे। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। मैं बचपन से ही कई लोगों की नकल करता आ रहा हूँ। मिमिक्री में नंबर वन बनना ही मेरा सपना था। वो पाने के लिए ना जाने कितनी टीवी चैनल्स के चक्कर काटे, लेकिन मेरे टैलेंट की किसी ने भी कदर नहीं की। मैं थक चुका था, हार मानकर परेशान होकर मैं आत्महत्या करने जा रहा था कि नो, और उस वक्त सारा मैडम ने आकर मेरी जान बचाई थी, क्योंकि पानी में कूदने के बाद मुझे ऑक्सीजन की जरूरत थी। भीड़ में किसी घटिया इंसान ने उसे शूट करके इंटरनेट पर डाल दिया, लेकिन उस बात की जरा भी परवाह किए बगैर मुझे चैनल में चांस दिलवाकर सारा मैडम ने मुझे एक नया जीवन दिया। आज मेरे 300 टीवी पर चल रहे हैं। शादी होने से पहले ही उस वीडियो को जिस घटिया आदमी ने तुम्हें दिखाया है, वो कमीना, अगर मेरे हाथ लग गया ना तो चप्पल मार मार कर उसका सरगरिया कर दूंगा। अच्छा किया बेटा, गलत कदम उठाने से पहले दिमाग शांत रखकर यहाँ चले आए। अगर बिगड़े हुए किसी दोस्त की बातों में आकर रात में दारू अरू पी कर लड़की को गालियाँ दे दी होती तो आज तुम्हारी शादी टूट गई होती। आपने तो पहले ही बोला था भाई लोग कि नशे में कोई भी मैसेज मत करना, कोई सुनता ही नहीं। मैंने भी अच्छी तरह से छानबीन करके फोन करना ऐसा कहा था शायद नशे में। भाई नाराज मत हो भाई, आपने तो बस अच्छे दोस्त होने का फर्ज निभाया भाई, गुस्सा मत कर, फेंक दे उसको, छोड़ दे थीरू, ठंड रख भाई, नशे में गोलियां हो जाती हैं। इसे मार कर भी क्या कर लूंगा, अभी तक तो वो मैसेज भी देख चुकी होगी। मेरी शादी की तो बैंड बज गई, ये सब इसकी वजह से हुआ है। ए फोन, अरे छोड़ कर फोन उठा दो, सही फोन उठा, बात करना। ए दुबई, तू पीछे रह, अंकल वहां से फोन कर रहे हैं। सोच क्या रहा है, नॉर्मल होकर उनसे बात कर, अगर वो अच्छे से बात करें इसका मतलब उन्होंने मैसेज देखा ही नहीं है, और अगर वो गुस्से में बात करेंगे तो इसका मतलब तो काम तमाम। तुझे तो काट के रख दूंगा मैं। पापा ने फोन उठा लिया, गुड मॉर्निंग, वेयर आर यू, मतलब अभी देखा नहीं, बात कर, हेलो बात कर, बात कर, बात कर। अरे ध्रुव कहाँ हो आप, कहाँ हैं जी? तिरुपति जाते समय रास्ते में एक माता का मंदिर आता है तो पूरे परिवार समेत भगवान के दर्शन करने हम यहाँ रुक गए। सारा को अच्छा लड़का मिले तो इसी मंदिर में आके नंगे पैर दीप जला के सारा अनुदान करेगी, ऐसी मन्नत मांगी थी और आज वो दिन आ गया।
मैं सच में बहुत खुश हूं। भगवान से मैंने एक अच्छा सा दामाद मांगा था, लेकिन उसने तो मुझे एक अच्छा सा बेटा दे दिया बेटा। अरे हाँ याद आया, एक बात बोलूं बुरा मत मानना, एक छोटी सी हेल्प चाहिए। आते समय तमिलनाडु और आंध्रा के बॉर्डर पर रोड के किनारे एक छोटी सी इडली की दुकान है, वहाँ का मसाला वड़ा बहुत ही फेमस है। दो प्लेट कड़क मसाला वड़ा और नारियल की चटनी पार्सल लेकर आ जाओगे तो मेरी जान जब तक है मेरा पेट तुम्हें दुआएं देगा बेटा। हाँ ओके सर। क्या सर सर कह के बुला रहे हो, ससुर जी बोलो, वो भी स्टाइल में, ससो कहो यार ससो, और जल्दी से मेरे लिए वड़ा लेके आ जाओ। हाँ ठीक है ससो। थीरू तू परेशान मत हो यार, इस मैसेज को सारा ना देख पाए उसके लिए एक आसान तरीका है। एक्चुअली डिलीट फॉर एवरीवन नाम का एक ऑप्शन होता है, तू फोन में मैसेज को डिलीट कर दे, उसके फोन से भी मैसेज डिलीट हो जाएगा। अरे यार इतना तो मुझे भी पता है, सिर्फ एक घंटे के अंदर डिलीट होता है, पूरी रात निकल चुकी है, अब डिलीट नहीं होगा। बस क्या, रात को फुल टल्ली होकर अगर सो जाएंगे तो फिर रात तो पूरी निकल ही जाएगी। छी छी छी, कितने बेशरम बेवड़े हैं ये। तू गुस्सा मत कर थीरू, फोन दिखा, ये देख अभी भी सिंगल टिक है, मतलब मैसेज तो गया है लेकिन अभी तक सारा के पास पहुंचा नहीं है। ठीक है ना, अब एक काम कर, देख तेरे ससुर जी को यहाँ से तिरुपति मंदिर पहुँचने में 1.5 घंटा लगेगा, और हम लोगों को तिरुपति जाने वाले रास्ते में अगर कोई ट्रैफिक नहीं मिला तो हम उनसे पहले वहाँ पहुँच जाएंगे और सारा से फोन लेकर तेरा मैसेज डिलीट करने की कोशिश करेंगे। तो इमीडिएटली हम लोग यहाँ से निकल कर तेरे ससुर से पहले पहुँच कर सारा के फोन से मैसेज डिलीट कर देते हैं सारी परेशानी। दूसरा रास्ता पकड़ेंगे तो तिरुपति पहुँचने से पहले ही सारा की गाड़ी रास्ते में रुक सकते हैं, ऐसा मैप बता रहा है भाई। वाह क्या गाना है भंटाए, बुरे काम का बुरा नतीजा, क्या लिरिक्स है, क्या म्यूजिक है, वाह मजा आ गया। अभी बीच में एक म्यूजिक भी आएगा सुनना। ये क्या कोई नमकीन चबा रहा है क्या? तू गुस्से में दांत चबा रहा है, सॉरी हाँ। Take the next right. Destination will be on the right. ओए दुबई, मैप में तूने सही रास्ता डाला है ना? अरे हाँ। इससे पहले तूने ये रूट पकड़ा था ना? बोल। आइला। कुछ दिन पहले ही तो, पूरे 25 साल पहले, मम्मी पापा के साथ अपुन तिरुपति टकला होने के लिए गया था। हाँ, वही रूट डाला है मैंने मैप पे। देखना, ये देखना। यही रूट है भाई। डोंट वरी, आपको जहां जाना है हमारी गाड़ी आपको छोड़ देगी। भगवान ब्लू टिक मत होने देना, वो व्हाट्सएप ऑन ना करें, वो मैसेज देखने से पहले हमें पहुंचना है। हाँ पहुंचना है यार। थिरू हम आधा घंटा लेट चल रहे हैं, अब तक तो वो लोग वहां पहुंच भी गए होंगे। सर तिरुपति यहां से कितना दूर है? लगभग 15 किलोमीटर होगा। थोड़ा तेज चलाइए ना सर, प्लीज प्लीज सर। ए थिरू देख, तिरुपति हम पहुंच गए, हे भगवान कृपा करना। सर वो रहा होटल,
टिक लेफ्ट 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 सीनियर ध्रो वो नमकीन का पैकेट फेंक दिया क्या? आपने तो खत्म कर दिया था। अरे जूनियर ध्रो तुम पुलिस की गाड़ी में क्यों आए हो? आते वक्त कार ब्रेक डाउन, पुलिस फ्रेंड और कुछ तो नहीं हुआ ना? अरे बाप रे क्या क्या क्रिस्पी वड़ा और चटनी लाने के लिए कहा था ना, लेके आए हो ना? कौवा उड़ा कर लेकर गया। कौवा उड़ा के ले गया? एक वड़ा तो संभाल नहीं पाए तुम, मेरी बेटी को कैसे संभालोगे? छोड़ो माफ किया सारा। भाई क्या इन लोगों को खुश देख के लगता है कि मैसेज अब तक देखा ही नहीं है? तो कमीने मुंह लटका कर क्यों बोल रहा है? थिरू हाय। पापा। हाँ क्या हुआ? थिरु क्या है ये सब? तुमने ऐसा क्यों किया? हम दोनों के बीच ये सब बातें कब से आ गई? हाँ इस तरह का घटिया मैसेज। छे तुम्हारे पापा ने 1000 तिरुपति के लड्डू क्या ऑर्डर कर दिए? तो वो सुनाने के लिए देखो किस तरह का मैसेज भेजा है। लड्डू मंगवाना तुम्हारा काम था लेकिन मैंने कर दिया है। जो काम मेरे पापा को करना चाहिए था अगर तुम्हारे पापा ने कर दिया तो उसका इतना बड़ा बतंगड़ बनाने की क्या जरूरत थी? हाँ बिल्कुल सही बोला। मेरे पापा ने इतना घटिया मैसेज भेजा? भेजा। पापा दो दो मुझे फोन दो। बैटरी खत्म हो गई। तो मैं जरा सुनो ध्रो, तिरुपति की मिठाई वाली दुकान में लड्डू बनाने वाला इंचार्ज रमेश मेरा क्लोज फ्रेंड है। अगर तुम्हारे पापा ने मुझे बोला होता तो कम दाम में बड़े लड्डू बनवा देता। जिस आदमी को जो काम करना था उसे बस वही करना चाहिए। मेरा मतलब जो मुझे करना था वो तुम्हारे पापा ने कर दिया और तुम्हें एक काम बोला था वो बिल्कुल नहीं कर पाए। एक वड़ा तक नहीं ले पाए तुम। ससुर को भूल गए, लड़की को मत भूल जाना। बस बच गए यार, फुल स्टॉप डालने के बजाय कॉमा डालकर भगवान ने तेरी कहानी बचा ली। अभी तो तू बच गया भाई, लेकिन उसका फोन चार्ज होते ही तेरे पे लाठी चार्ज होने वाला। नमस्कार। आइए, आपने लड्डू तो ऑर्डर कर दिए, कम से कम एक चखा तो देते। समझी जी क्या बोल रहा है? आइए आइए, ये लो सैंपल, टेस्ट करके देख लो। आइए कैसे? आइए चुपके से 4-5 लड्डू मेरे रूम में भिजवा देना। नमस्कार। आइए चुपके से 4-5 लड्डू उनके रूम में भिजवाने। चुपके से 4-5 लड्डू समझी जी के रूम में भिजवाने हैं। चुपके से बोला तो इतनी तेज चिल्ला के क्यों भाग रहे हो? आशा बेटी पापा को लेके 7th फ्लोर पे चली जाओ। चलिए। हाँ सारा तुम्हारा रूम 317 और गायत्री तुम्हारा 318। दोनों का आसपास। ससुर चलिए ऊपर चलें। रूम तो बहुत ही ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर हो या सेकंड फ्लोर मिल जाता, थर्ड फ्लोर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा। अच्छा थर्ड फ्लोर सर, थर्ड फ्लोर पूरा ऑक्यूपाइड है सर। शादी में आपने बहुत खर्चा कर लिया, मैं तो दंग रह गया। आप जैसा ससुर मिलना बहुत मुश्किल है ससुर। थैंक यू थैंक यू। थोड़ा खर्चा बचाने के लिए क्यों ना मैं सारा के ही रूम में रह लूं? क्या बोला तुमने? 801 रूम नंबर मेरा है, खाना लग जाए तो बुला लेना। 801 भी अच्छा है। चल। से 302 अभी खाली हुआ है सर। थैंक्स।
अबे ओ सारा, तू तो एक बिल्ली की बच्ची निकली। मैं तो पागल हो गया था तेरे झूठे प्यार में, लेकिन एक नहीं तुझे तो अनेक चाहिए ना। ए, तेरा जीजा आम की गुटली की तरह दिखता है और तेरा बाप वो सिर्फ तेरा ससुर नहीं है। नो, मेरे जैसे बहुत से दामादों का वो ससुर है। तेरे जैसे नीच खानदान से हम जैसे ऊंचे खानदान का रिश्ता होने से अच्छा है कि हम जहर खाकर मर जाए। पता है मैं कितना ज्यादा प्यार करता था तुझसे। शर्म नहीं आती तुम्हें? कितना भरोसा था तुम पर। क्या हुआ बेटी, ये क्या कर रही हो? सपना देखा क्या? शादी टूट गई क्या? छी। फोन। कुछ देर बाद वो मैसेज देख लेगी और जो सपना तुमने आज देखा है वो सच हो जाएगा। चुप। उसके बाद तुम्हें और कोई लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। मैं शादी का जोड़ा साथ लेकर आई हूँ, आज ही शादी कर लेंगे। थिरु, हाँ। मैं अपने फ्रेंड्स को रिसीव करने जा रही हूँ। हाय 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 सारा। कब आए तुम लोग? अभी अभी। ओ नमस्कार। बोलिए सर। एक्चुअली मैं शादी का दूल्हा हूँ। शादी, मैरिज, मेरा कुछ सामान गलती से रूम नंबर 317 लड़की के रूम में रह गया है। वो आपको दातुन की डायरेक्ट उसके कमरे की चाबी मांग लेते ना, इतना ड्रामा क्यों कर रहे थे? ससो हाँ, जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट। सारा को मैंने यहीं तो देखा था। वो रही सारा। सारा यहाँ आओ। हाँ पापा। अगर तुम दोनों को अकेले में बात करनी है तो रिसेप्शन पे बात करो, हॉल में बात करो, या फिर मेरे रूम में आके बात कर लो। ओके, शादी होने तक थोड़ा तो कंट्रोल कर लो यार। ओके, मेहमान लोग क्या सोचेंगे थोड़ा तो समझो। चाबी मेरे पास ही रहने दो, ठीक है? क्या थी रूम? रूम में चलकर बात करते हैं। पागल, पापा ने अभी क्या बोला? तुम्हारे रूम में नहीं आ सकता, तुम मेरे रूम में आ सकती हो। नहीं, जो भी है यही बोलो। एक मिनट, मैं इसको बातों में लगाता हूँ और तू उसके बैग में से चाबी निकाल। बताता हूँ, वो फूल है, वो फाउंटेन है, कार पार्किंग। हे भगवान, इधर उधर हाथ घुमाने की बजाय सीधा काम की बात करो ना। फिर कहाँ है फोन, मिल क्यों नहीं रहा? अगर हमारी शादी बिना रुकावट के होती है तो तुम्हारे मुंडन की मन्नत मांगी है। ए, चुप, पागल हो गए हो क्या? जबरदस्ती बात करने के चक्कर में कुछ भी बके जा रहे हो। चलो जाओ। ए, तुम लोग चलो, डाइनिंग हॉल में चलते हैं। सारा का रूम थर्ड फ्लोर पर है, तुझे पीछे के रास्ते से फोन लेने के लिए थर्ड फ्लोर तक पहुंचना होगा, ठीक है? थर्ड फ्लोर वही है, घुस जा अंदर। कौन है रे तू? मैं यहाँ का लोकल एमएलए, तू यहाँ पर क्यों आया? सर, तू कोई न्यूज़ रिपोर्टर तो नहीं? नहीं, मेरा वीडियो न्यूज़ पर दिखाएगा।
अरे छोड़ो मुझे, टिक से पकड़ना, अरे टिक से पकड़ना, क्लोज जा क्लोज, जैसे पकड़ के किस कर, किस कर, अरे क्लोज जा क्लोज, मस्त बनेगा रे तेरा वीडियो, अपलोड करेगा मैं, बस कर, अब मैं इसका वीडियो बनाता। Hey, सुन, तेरा और इसका रोमांटिक वीडियो अब मेरे फोन में है जी। अगर तुझ में दम है तो मेरा वीडियो न्यूज पे चला के दिखा। मुझे दम नहीं है सर। hey, पकड़ पकड़, तेरे को इस गन से शूट करेगा मैं। अरे रुक, तू भाग किधर रही है? hey, मेरे को साथ लेके चल। hey, पकड़ो। साड़ी में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना, शादी के लिए एकदम रेडी हूँ। कौन है वहाँ? मम्मी। ओह, दरवाजा बंद हुआ। Excuse me? जरा साइड देंगे? Hey, साइड हटो, excuse me? मेरा फोन? Hey, कौन हो तुम? छोड़ो मुझे, कौन हो? चोर कहीं के, हिम्मत कैसी हुई मेरे कमरे में आने की? हाँ? अगर मेरे होने वाले पति को पता चल गया ना, तो वो तुम्हें मार डालेगा। कहाँ जा रहे हो? दीदी दीदी दरवाजा खोलो, चोर चोर। ए, सारा कहाँ कहा गया वो? दीदी अरे कमरे में कोई घुस आया था, वो देखो वहाँ भाग रहा है। सारा अरे पकड़ो, सारा तो पकड़ो। भाग रहा हूं। तुम क्यों भाग रहे हो? जॉगिंग कर रहा हूँ। जॉगिंग दोपहर के एक बजे? ठीक है सब छोड़ो, एक रूम बॉय ने मेरे कमरे से मेरा फोन चुरा लिया है। अरे बाप रे चोर, वो खतरनाक हो सकता है, उसका पीछा तुम मत करना। ए, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे फोन में बहुत इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं। अरे वही तो प्रॉब्लम है, तुमने उसे देखा? नहीं देख पाई, लेकिन उसे मुँह छुपाने के लिए लैम्प शेड डाला है। और अब? और अब मतलब? मतलब तुम जाकर रेस्ट करो, मैं उसे देख लूंगा। नो, मैं कंप्लेन करने जा रही हूँ। What nonsense is this? अपने जीएम को बुलाइए, मुझे पुलिस में कंप्लेंट करनी है। सर हमारे होटल में ऐसा होने का चांस ही नहीं है, आप एक बार रूम चेक कीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ आप सिर्फ वो कीजिए। आपके भी रूम में मोबाइल का पैकेट नहीं था क्या? अरे वो तो मैंने खा लिया, लेकिन सारा का फोन कोई चोरी करके भाग गया। इतने बड़े होटल में मोबाइल फोन लाना मना है? सिक्योरिटी, होटल के सारे स्टाफ को चेक करो। यस सर। फोन चोरी करने वाले को पकड़ने के लिए तेरे शातिर बाप के पास एक धमासान आइडिया है, तो जल्दी से थर्ड फ्लोर पर आ जा। ये सब क्या हो रहा है? यही तीनों दोपहर की शिफ्ट में तीसरे फ्लोर पर काम कर रहे थे, फोन किसने लिया बोल नहीं रहे हैं।
तू एक काम कर, इन तीनों को पुलिस स्टेशन ले जाकर अच्छे से इनकी धुलवाई करवा, खुद अपना मुंह खोल देंगे। आमने सामने खड़े होने के बावजूद आप एक दूसरे से फोन पर बात क्यों कर रहे हैं? इन्हें कुछ नहीं बताया बेटा, तू एक काम कर, इन तीनों को पुलिस के हवाले कर दे, खुद ब खुद सब उगल देंगे। इन्हें कहां से उठा कर लाया हो यार? किस्मत बोल गई थी बेटा। थिरू तुम अपने फोन से मेरे फोन पर कॉल करो, जल्दी करो। करता हूं, एक सेकंड रुको। हां तुम क्यों टेंशन ले रही हो? मैं हूं ना फोन करने के लिए। हां तुम टेंशन मत लो, तो जल्दी करो ना। दुबई राजा मुझे घूरना बंद करो, कहीं और देखो, फोन स्विच ऑफ है। फोन स्विच ऑफ आ रहा है, चोर अभी तक यहाँ होगा क्या? वो चोरी करके भाग गया होगा, थोड़ी तो अक्कल लगा ना। तो पकड़ के रहना होगा, मेरे परिवार की इज्जत का सवाल है। पहले ही लड्डू के चक्कर में हमारी नाक कट गई, और अब मेरी बेटी के कमरे से किसी ने उसका फोन चुरा लिया, मैं उसे देख लूंगा। सर लंच रेडी है, खाने के बाद देख लूंगा। हाँ सही कहा, पहले खा लेते हैं, आओ तुम लोग निकलो। फोन दे जल्दी। स्कूल में जब आप उन कैच मिस करता था तो तू मारता था ना। तूने फोन कैच नहीं किया, हमेशा की तरह कैच मिस हो गया। नीचे आके देखा तो फोन लेके कोई भाग गया। ऐसे ही खड़े रहे, हिलना नहीं। हाँ तेरी सर्जी, मैंने जो आपको ड्रेस दी थी वो वापस कर दीजिए ना प्लीज। हमारा मोबाइल लेकर कोई भाग गया, तुझे ड्रेस की पड़ी है? सर मैंने उसे भागते हुए देखा है। यहाँ के सारे चोर मोबाइल चुराकर किंग मोबाइल शॉप में बेचते हैं, आप वहाँ जाइए, आपको फोन मिल जाएगा। मिल जाएगा? हाँ देख भाई मिल जाएगा। यही सारा का मोबाइल है, थैंक गॉड। इधर ला, पहले मैसेज डिलीट करता है। ये आईफोन का i6 मॉडल है, 30,000 रुपए देने होंगे। क्या सर, इससे कम में तो नया फोन आ जाएगा। हाँ, सर तो जाकर नया खरीद लो भाई, ये फोन हमारा ही है। ए भाई देखो, जिस लड़की से इसका लगन होने वाला है उसका किसी के साथ चक्कर चल रहा है, ये सोचकर इसने उसको गालियों वाला मैसेज ठोक दिया। भाई सच बोल देना चाहिए, सत्य में हो जाते। हाँ। उस लड़की के साथ किसी और का चक्कर है? दिखने में कैसी है? बहुत सुंदर है क्या? फिगर तो अच्छा ही होगा, चल फोटो दिखा। क्या बोला मैं? तुझे पता है मैं कौन हूँ? बहुत बड़ी गलती की है तूने, देखता हूँ फोन कैसे लेकर जाता है। सर सर जाने दो ना सर, वेंकटेश्वर मंडप तक जाकर कहीं सारा को सच्चाई मत बोल देना भाई। छोड़, मेरी दुकान पर आकर मुझ पर हाथ उठाया तूने, काट डालूंगा तुझे। सॉरी सर, गलती सॉरी, समझो ना भाई। चाहे तो आप मुझे मार लो, वहां सब वेट कर रहे हैं सर, बहुत बेइज्जती हो जाएगी सर, प्लीज सर। अबे ये तुझे पहले सोचना चाहिए था। ये फोन तुझे नहीं, जिससे तेरी शादी होने वाली है ना, ये उसे ही मैं मैरिज गिफ्ट के तौर पर दूंगा, शादी के मंडप में मिलेंगे। Oh, my God.
हमने जो वीडियो मैसेज सारा को भेजा था उसे मिला ही नहीं। देख तेरे फोन से सेंड हुआ या नहीं। सेंड हुआ है, ब्लू टिक दिख रहा है यार। अभी फोन आ रहा है। सारा का फोन तो मेरे पास है, तो फिर मुझे सारा का ही फोन कैसे आ रहा है? अबे देख क्या रहा है, उठाना भाई। अबे ओ थिरु, बेबोला आवाज कुछ अलग ही लग रही है, इज्जत भी कम लग रही है। सारा बोल रही हूँ बे, साइकोलॉजी स्टूडेंट सारा। आई लव यू। मैंने अपना नाम और नंबर तुम्हारे फोन में सेव कर दिया है। हाँ, ये देख एस डबल ए आ रहे हैं, लेकिन मेरी सारा का ऐसे आ रहे हैं। और एस मतलब ये साइकोलॉजी वाली सारा है। मेरे दोस्त, मेरी वाली सारा का जो मैसेज भेजना था वो तूने नशे में इस सारा को भेज दिया है। अपुन नहीं आएगा। कम यार। नहीं तू मारेगा। अभी कट्टी नहीं हूँ, बट्टी हूँ, सच बोल रहा हूँ। गले लग। आज अपन बहुत खुश है भाई। तेरा बजिका कौन स्टूडेंट है? बात कर बात कर। थैंक यू ब्रो। सारा हाउ इज लाइफ? मेरी लाइफ तो तूने बर्बाद कर दी। तेरे उस भेजे हुए मैसेज की वजह से मेरी जिंदगी नष्ट हो गई है। मेरी शादी के रिसेप्शन में मैं और मेरी फैमिली सब कितने खुश थे पता है? लेकिन तभी तेरा वो भेजा वीडियो मैसेज आ गया। अबे ओ सारा, मैं तो पागल हो गया था तेरे झूठे प्यार में, लेकिन एक नहीं तुझे तो अनेक चाहिए ना। ए, तेरा जीजा आम की गुठली की तरह दिखता है, और तेरा बाप वो सिर्फ मेरा ससुर नहीं है। तुम्हारे एक मैसेज की वजह से मेरी शादी टूट गई। मेरे पापा एक्स मिलिट्री मैन है। मैं उस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बचपन में जब जंगल में हम शिकार करने जाते थे तब चाहे कोई भी जानवर हो गोली मैं ही मारती थी ना। शिकार किए बहुत दिन हो गए हैं। मंटा है, खिलौना दिखाकर डरा रे लिए। तूने जो मुझे मैसेज भेजा था ना, वही मैसेज अगर मैंने तेरी मंगेतर को भेज दिया होता तो तेरी शादी की शहनाई नहीं मातम का शंख बज रहा होता। ए चुबे, तू जो बोलेगी अपन मान लेगा क्या? हम इतने भी बेवकूफ नहीं है, अपन में भी दिमाग है। हाँ, शंख की आवाज ऐसी नहीं होती है। अपन तुम दोनों को समझा समझा के थक गया यार, कि ये लड़की बहुत ही अच्छी है, इसे कुछ मत छुपा रहे भाई। ए, बोल दूं क्या? क्या? छोड़, मैं देख लूंगा। हाँ? थिरु, दिलो जान से तुमको चाहता। उस दिन तुमने इसको आई लव यू बोला था, तभी इसका रिएक्शन क्या था याद है? शहर में हजारों लड़के हैं, तुम्हें एक अकेला मैं ही मिला क्या? शहर में हजारों लड़के हैं, तुम्हें अकेला मैं ही मिला क्या? खामखा गले पड़ रही है। खामखा गले पड़ रही है। कितना प्यार करता है तुमसे। ओए, तू सच्चे प्यार को छुपा नहीं सका। इससे बचने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है। प्लीज प्लीज, मैं इस मामले में दुबई से सहमत हूँ। बस तू इसकी हाँ में हाँ मिलाता जा, बाकी हम संभाल लेंगे। समझ गया ना? समझ गया। चल ड्रामा शुरू करते हैं। आजा, सच बोल दे थिरु आज। चल जल्दी से बोल दे, तेरे घर वालों ने तेरे लिए लड़की ढूंढ ली थी, इसीलिए तू सारा से आई लव यू नहीं बोल पाया है ना? तभी वीडियो भेजा बेचारे ने। तभी इसकी शादी तोड़वाने के लिए तूने जानबूझकर नशे में आकर इसको वो वीडियो मैसेज किया था। बोलना बोलना थिरु। ठीक से सर हिलाओ। तो फिर वो गाली वाला मैसेज भेजने के बजाय सीधे तरह मुझे आकर आई लव यू क्यों नहीं कह दिया तुमने? वो क्या है ना, जो वीडियो भेजा था उसी का मतलब समझा सकता है। नए सवाल के जवाब के लिए टाइम लगेगा। तेरे लिए एक और शॉकिंग न्यूज़ है। क्या? उसे सुनकर तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। अरे बाप रे, अबे हीरो तू कहां भाग रहा है? रुक जा, मैं सुन रहा हूं। लव
हीरो कम हियर, गलती करके ऐसे भागना नहीं चाहिए यार, फेस टू फेस प्रॉब्लम सॉल्व करनी चाहिए। ये जिससे शादी करने वाला है उसका ऑलरेडी किसी के साथ टाका भिड़ा हुआ है। राजा मुझे मत रोक, सच्ची तो है। और आज उस लड़के को यहां बुलाकर हम इसके मंगेतर की शादी उसके लवर के साथ करवा देंगे, और कल तुम दोनों की सब खुश रहो, दैट्स ऑल। थिरू तुम कितने भाग्यशाली हो कि तुम्हें इतने अच्छे दोस्त मिले हैं। इसको तो कदर ही नहीं है, जो एंड तक साथ चलता है वही फ्रेंड होता है। वैसे तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो थिरू? सेम पिंच। आई डू लव यू। एक्चुअली जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था ना, तभी तुम मुझे पसंद आए थे। उस दिन मैंने टेस्ट के लिए बोला, लेकिन आज मैं तुम्हें सच में आई लव यू कह रही हूँ। मुझे नहीं पता था तुम इतना प्यार करते हो कि शादी रुकवाने के लिए वो मैसेज भेज दिया। तो वो है मंगेतर, दिखने में तो कोई फल बेचने वाली लगती है। उसका बॉयफ्रेंड अमरूद का ठेला लगाता होगा, उसे बता दो वो उससे शादी कर सकती है। शक कर रही हो ना तुम मुझ पर? शक करना भी चाहिए तुम्हें? वो लड़की कौन है, उसने मुझे गले क्यों लगाया, ये पूछना चाहिए, जिसका जवाब मुझे तुम्हें देना है। क्यों गले लगाया उसने तुम्हें? ऐसे जल्दी जल्दी मत पूछो, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम तो दो। क्या सोचना है? वैसे तुम्हारे वो दोस्त कहाँ है? दोस्त की बहन ही तो है वो। क्या बकवास कर रहा है? थिरू? हाँ थिरू, थिरू जो चिन्ह में रहता था। हे भगवान, हे भगवान, हे राम, कोई उसे धोखा देकर छोड़कर चला गया है। उसे छोड़कर? इसे तो देखकर ही उल्टी आ रही है। हाँ बेचारी पेट से, इसलिए उल्टी तो करेगी ना, उल्टी। पागल पेशेंट की तरह बात करने पागल पागल, इस वजह से वो बेचारी पागल हो गई है। आजकल हर किसी से मुझसे शादी कर लो कहती है। उसके भाई का दोस्त हूँ मैं, मुझे भाई ना समझकर मुझसे शादी करने को कह रही थी, लेकिन तुमने मुझे मेरा दिल तोड़ दिया सारा। तुम अपने दोस्त की बहन के लिए इतना बोझ ले रहे हो, यू आर रियली ग्रेट। हेलो हेलो हेलो, संभल कर नीचे गिर जाओगी। गिरने वाली थी लेकिन थिरू ने मुझे बचा लिया, मेरी जिंदगी सवार दी उसने। हाँ हाँ सही कहा थिरू ने, ये तो बेचारी सच में पागल है। मैं तो यहाँ थिरू को गोली मारने आई थी। अच्छा फिर? लेकिन थिरू ने मुझे ही गोली मार दी। I love you थिरू, I want to marry you। पागल बेचारी कुछ भी बके जा रही है। वाओ कल मैं थिरू से शादी कर रही हूँ। थिरू I want to marry you। पिस्तौल हमेशा साथ में रहती है। अच्छा वो मत, अच्छा अबे दवाई घूम के आ, घूम के। अच्छा अच्छा इसके पास फोन में मैसेज है, इसीलिए हमें परेशान कर रही है। वीडियो अभी डिलीट कर देता हूँ। हमारा मातम मनाने वाली थी, अब अपन उसका मातम मनाएगा। सेल फोन दे मेरा, फोन दे मेरा, गिव द फोन। थिरू कहाँ है? तुम्हारी आंखों में झांसी की रानी वाला गुस्सा है, वीरंगना फुलन देवी की वीरता है, चीते की चाल है तुम्हारी, उड़ान में बांस से भी ऊंची उड़ान है। एक लड़की को बिना बताए दो चोर उसका फोन लेकर भाग जाए और मैसेज को डिलीट कर दें, तो लड़की का रिएक्शन क्या होगा ये हम सबको देखना था। वाओ सुपर, मेरी बहादुरी इतनी पसंद आई, ये तो कुछ भी नहीं था। मुझे तो और भी कला आती है। कौन सी? चित्रकला? नहीं, हाथों की कला। सही टाइम पर आए हो, आ रहा हूं। इन्हें तूने बुलाया? मैं पागल हूँ ना? चलो I love you।
बताओ ना उसे क्या बता रहे हो? पागल है। क्या मैं पागल हूँ? तुम पागल मेरी बात तो सुनी। ध्रो हम मंडप पे जा रहे हैं, मुहूर्त का टाइम हो गया, आ जाओ। हाँ बाय। ओए लगता है तो उससे शादी करके ही रहेगा। उसका लवर कहाँ है? हाँ उसे ढूंढ रहे हैं। कहाँ है? शाम 6 बजे से पहले वो यहाँ नहीं आया ना? नहीं आया तो तेरा वो मैसेज दिखा दूंगी। शुरू से ही मैं चाहती थी कि ये शादी टूट जाए, लेकिन 99 शादियों को अच्छी तरह से करवा कर तुम्हारी खुद की शादी में इतनी परेशानियां। एक झूठ को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने से अच्छा है कि सारा के पास जाकर उसे सब सच बता दो, वो जरूर तुम्हें माफ कर देगी। अंकल सारा का रूम? सारा के क्लासमेट हो गया जी। आओ आओ बेटा आओ। सुनो सीधा जाकर वहां से लेफ्ट लोगे तो सारा का रूम सामने दिखेगा। हाँ ओके। मैं किंग मोबाइल से आया हूं। जी कहिए। तुम्हारी माँ के दूध में जहर है, ऐसा कोई तुमसे आकर कहे तो तुम्हें कैसा लगेगा? थिरुन ने मुझ पर शक किया, ये सुनकर मुझे भी वैसा ही लग रहा है। मुझ पर शक करती तो समझ सकते थे, पर कितना भरोसा करती है मेरी समझ में नहीं आता कि क्या करूं। अगर ये सच सारा को पता चल गया तो वो मर जाएगी यार। और अगर खुद नहीं मरी तो तुझे मार डालेगी। ए, फंक्शन में सिर्फ 2 ही घंटे बचे हैं, उससे पहले तेरी वाली सारा का लवर है जिसका तेरी झूठी कहानी के मुताबिक सारा के साथ अफेयर चल रहा है, उसे कहीं से लाना होगा। फंक्शन के बाद सबको पता चल जाएगा ना। बात की बात में देख लेंगे, फिलहाल तो अभी की सोच बंटा है। बस यही एक तरीका है उस पागल सारा से बचने का। अभी तुमने इतनी बड़ी गलती की है तो अपन को ही संभालना पड़ेगा ना। मेरी मंगेतर के लिए बॉयफ्रेंड ढूंढने को कह रहा है? ढूंढ लेंगे भाई, ढूंढ लेंगे। आने दो भाई, आने दो, आने दो, आने दो, जल्दी।
ये तो वही बुलेट वाला गुज्जू भाई है ना, गेटअप बदला हुआ लग रहा है। इसे खसी जाओ, सब्जी की गाड़ी आ रही है, हट जाओ। आने दो, अरे आने दो, ये कहाँ से आ गया? ओहो, उस दिन मेरी धुलाई की थी, आज लगता है सुखाने के लिए आया। अरे मम्मी, चलो भाई साहब, निकलो यहाँ से। भेष बदलने के कारण मेरे को पहचान नहीं पाया। तो मेरे को केला अभी चाहिए कि बाद में दूं? मोटा भाई, माफ करी दो मोटा भाई, बुलेट ही मेरी पत्नी है, ये मैं लोगों को बोलता रहता हूँ, क्योंकि बुलेट का इंस्टॉलमेंट नहीं चुका पाया तो वो मेरी बीवी को उठा कर ले गए। ये बात सुनकर मेरे ससुर जी ने मेरे पीछे गुंडे छोड़ दिए हैं। उनसे बचने के लिए भेष बदला है, मुझे बचा लो भाई। पत्नी और बुलेट मैं दोनों वापस दिलवा दूंगा, लेकिन उसके लिए जो मैं कहूंगा वो तुम्हें करना होगा। तिरुवित सारा, SAARA आना चाहिए था। कोई बात नहीं, चेंज करवा दूंगी। उसकी मंगेतर का लवर तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। सक्सेस। कौन है ये जोकर? मेरी मंगेतर का असली लवर ये है। मेले में गुब्बारे बेचने वाला लग रहा है ये मोटा भाई। चलो ठीक है, सारा जैसी छिपकली के लिए तो सही है। मोटा भाई, लवर के बारे में बोल रही है, चुपचाप क्यों सुन रहा है? मैडम, मेरे लवर सारा कुल्फी की तरह मस्त लगती है, टमाटर की तरह लाल 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 दिखती है, पपीते की तरह एकदम ताजी। क्या भाई, बोलूं तो मारते हो, नहीं बोलूं तो भी मारते हो। मम्मी, आपने भी मारा? प्यार का मतलब आखिरी दम तक साथ निभाना होता है। अपनी प्रेमिका को किसी और के पास गिरवी नहीं रखते। मैडम, गिरवी नहीं रखा था, लोन लिया था। क्या लोन? लोन लिया था, लोन। अलोन, इसके लवर की शादी मुझसे होने वाली थी ना, इसलिए बेचारा अलोन फील कर रहा है। हाँ मोटा भाई, बचा लो प्रभु। अभी क्यों मारा? सिर्फ अकेला फील करना ही काफी है क्या? सारा कौन है? कौन है? तुम्हारी प्रेमिका है। अपनी प्रेमिका को बाइक पर बिठा और भाग जाओ यहाँ से। बाइक की वजह से ही तो प्रेमिका को उठा कर ले गए हैं। सारा को उठा कर ले गए? उठा कर ये लेकर जाने वाला है, यहीं कहीं पर होगी वो। हाँ, तरी तो ये बेन भी इधर ही है, ये तो बिग बॉस के शो जैसा है, न कहीं भाग सकते हैं, न छुप सकते हैं, ये कहाँ फंसा दिया प्रभु? चेन्नई में जो दिया था वो हजम नहीं हुआ क्या? चेन्नई में क्या दिया था? ये बता, उस दिन तो डर कर भाग गया था, आज बड़ी हिम्मत दिखा रहा है? ये प्यार की ताकत है, जिससे प्यार करते हैं चाहे उसे कितना भी गुस्सा हो जाए, लेकिन वह सामने दिख जाए तो गुस्सा ठंडा हो जाता है। प्यार? हाँ? प्यार ही तो है ना, दोनों में प्यार। ओ, प्यार। प्यार। हाँ, प्यार। सुख दुख प्यार। प्यार। सही कहा। दुनिया में मैं पहला एक्टर हूँ जो सीन जाने बिना ही एक्टिंग किए जा रहा है। वो चोरी करके कहाँ भागी है? उस तरफ चलो, चलो आ जाओ मेरे साथ। जल्दी को थोड़ा और करारा करो ना। कौन हो बेटी? वो मैं लड़के वालों की तरफ से हो? पुलिस मेरा पीछा कर रही है, यहाँ छिपना ही सही होगा। हाँ जी। किसे ढूंढ रही हो? अपने पति को? जी वहाँ, वो रहे मेरे पति। ओह, तो वो आपके पति हैं? आइए आइए, मैं लेके चलता हूँ। आइए, मुझे छोड़ दो भाई, शाम की बस से मैं गांव चला जाता। सब मुझे क्यों मालूम? बताइए कौन है? ये तो वही होटल वाली लड़की है, यहाँ क्या करने आई है? अरे ये दोनों पति पत्नी हैं। पति पत्नी? पति पत्नी? ससुर जी। हाँ, ये ना, अगर जरा सी भी शानपटी दिखाई तो वो वीडियो। इनके ना पति तो मुझे यही लग रहे हैं। मुझे याद आया, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? बोलो 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 बोलो, अपना मुंह खोलो, चलो बोलो जल्दी। मैं गुजरात से आया हूँ, मेरी बुलेट और पत्नी सेठ की आर्मी। ये वाला नहीं, सच वाला सच बता। तू इनके घर में कई सालों से किराए पर रह रहा था, इसीलिए इन्होंने तुझे अपना घर वाला समझ लिया, घर घर खेलते खेलते। अरे एक मिनट, किराए के घर में रहने वाला घर वाला कैसे हो सकता है? अब ये अपना दिमाग क्यों चला रहा है? अब मैं समझ गया, अपने पति को मेम साहब ने अपने घर पे किराएदार की जैसे रखा हुआ है। तो सही। अब तेरे को क्या हुआ मोटा भाई?
अभी इस सीन में मुझे क्या करना है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। आजा। कुकर में पहली सीटी बजी मतलब चावल पके नहीं है, तीसरी सीटी बजी मतलब समझ लो चावल गल गए, लेकिन इन दोनों के बीच वाली घंटी जो कच्ची पक्की होती है उसकी जो आवाज होती है ना वही तुझे देनी है। मतलब कच्ची पक्की, ट्राई करता हूँ। आज इसको बताएगा जिंदाबाद एमएलए पकौड़ा नायडू, जिंदाबाद एमएलए पकौड़ा नायडू, जिंदाबाद एमएलए पकौड़ा नायडू, जिंदाबाद एमएलए पकौड़ा नायडू, जिंदाबाद। स्टूल रख। तेरा और उस लड़की का वीडियो मेरे पास है जी, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, तेरे को फ्लैशबैक में लेके जाता है जी। फंस गया ना, पकड़ उसको और अच्छे से पकड़। इस बालू को मैं कहीं देखा है जी। ओए, तू ही तो है वो। उसका वीडियो लेने के बजाय सेल्फी वाले कैमरा से तूने अपना ही वीडियो ले लिया है। मेरा मिनिस्टर बनना कन्फर्म जी, मेरा वीडियो मेरे को दे दो, मैं एहसान मंद रहेगा। अगर तुम मेरी मदद करेगा तो पक्का उस लड़की के साथ तुम्हारा सेटिंग करवा देगा। चल बोल क्या बोलता है, वीडियो दे देगा ना? क्या सोचता है जी, क्या सोचता है? क्या बात है थीरू, इतनी प्रॉब्लम्स के बाद भी तेरी शादी होने वाली है? थीरू इसके साथ इतना मत चिपक, अगर सारा ने देख लिया तो। सारा, अब लगता है दुनिया भर की सारी परेशानी तेरे सर पे गिरने वाली है, संभाल लेना भाई। शक कर रही हो मुझ पर? एक माँ के दूध में जहर था सुनकर कैसा लगेगा? तो तुमने सुन लिया था। सोने की जांच घिस कर करनी चाहिए, लेकिन तुम तोड़ना चाहती हो। दूध और पानी को अलग करके देखेंगे तो। करके देखेंगे तो? कुछ भी बोल रहा है। देखेंगे तो क्या? तुम्हें उससे क्या, तुम क्या बोलना चाहती हो बोलो। मैं सच कह रही हूँ थिरु, तुम्हारे बारे में चाहे मुझसे कोई भी अगर कुछ भी कहे मैं विश्वास नहीं करूंगी। गुड गर्ल। लेकिन अगर तुमने इस बात का कभी फायदा उठाया तो। सारा, ये थीरू की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि मेरी गर्लफ्रेंड है। क्या बकवास कर रहा है? She is my girlfriend. तुम्हें प्रूफ चाहिए है ना? रुको, ये देखो। देखा ना, थप्पड़ नहीं मारा। थीरू के लिए कुछ नहीं बोलो, अंदर चल तुझे बताती हूं। वैसे बेबी, मैं क्या बोल रहा हूं कि सॉरी थीरू। अगर चाहती हो कि मैं तुम्हें माफ कर दूं तो मुझे कुछ देना होगा। अमरूद लाती हूँ। अरे यार, जिन होठों ने मेरे बारे में गलत बोला है मैं चाहता हूँ वही होठ मेरे होठों से मिलकर 5 मिनट तक गिड़गिड़ा कर माफी मांगे। इसे इंग्लिश में लेग पीस कहते हैं। लिप किस कहते हैं। मतलब किसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, ये भी चलेगा। होने वाली है, सब लोग देख रहे हैं बेटी, एंगेजमेंट खत्म होते ही तुम दोनों की शादी करवा देंगे। अब कौन सा होगा, आ जाओ आ जाओ। जी जरा सुनिए। हाँ, मैं शादी करने वाली हूँ इनसे और आप शादी करने वाली हैं उनसे। इसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है क्या? ये तेरा होने वाला पति है जी। ये अरे आपका पति है। नहीं, हाँ, हाँ, बिल्कुल, ये तेरा पति है। नहीं, वो मेरे पति है। पुष्पा गई। पुष्पा मेरी जान, मेरी मिसाइल, मेरी हथनी, मेरी कुल्फी। पुष्पा कितने दिन बाद मिली, तू नहीं है क्या? डस्ट लगी हुई है।
पुष्पा, शेठ ने तुझे छोड़ कैसे दिया? मेरी शक्ल देखते ही उसने मुझे वापस भेज मतलब दिया। मतलब उसका टेस्ट मेरे से बहुत अच्छा होगा पुष्पा। आज बुलेट पे नहीं, तुझे साइकिल पे डबल सीट घुमाऊंगा। ये कौन है? हमारी बुलेट चच्ची, हमारी पत्नी छे। तो फिर ये सॉरी लेडीज, तुम दोनों डुप्लीकेट हो, ये मेरी ओरिजिनल पत्नी है। जो हमने पूछा था तब सर क्यों हिलाया था? मैंने खुद से नहीं हिलाया, ये सब करने के लिए मुझे उसने कहा था। चल पुष्पा, अभी क्या यहाँ से खाना खा के जाएगी? फिक्र मत कीजिए, और लड्डू आ जाएंगे। द्रो, क्या है ये सब? पापा कुछ पूछ रहे हैं, जवाब दो। क्या तुम मेरी बहन की जिंदगी से खेल रहे हो? लड़कियों की जिंदगी से खेलना इसके लिए आम बात है। इस वीडियो को देख लीजिए। सर एक मिनट। हैं? इस फोन पर अकेले आप देखकर क्या करेंगे? उस टीवी पर चलाएंगे तो सच्चाई सबको दिखेगी। निकल ले भाई तू यहां से। अब सारा, आई लव यू टू मच, थ्री मच, फोर मच, फाइव मच, जब तक जिंदा हूं तब तक मच मच मच। तेरी बहन तो साक्षात कोई देवी है, और तेरे पापा मेरे ससुर नहीं है, मेरे भी पापा हैं। तुम्हारे जैसे खानदान से मुझ जैसे गधे का रिश्ता हो रहा है, कितना भाग्यशाली हूं मैं इसके लायक नहीं हूं। देखिए भाभी, थीरो भले ही अब आपका पति हो, लेकिन उससे पहले मेरा बड़ा भाई है। हमारे इस भाई बहन के रिश्ते के बीच कोई भी नहीं आ सकता। तुम, तुम्हारे पापा, तुम्हारी बहन, तुम सभी लोग कितने अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छे हो, बहुत 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 अच्छे हो। कल तुम तीनों की बातें मैंने सुन ली थी। तुम्हारे भेजे गए मैसेज की वजह से तुम्हारी शादी न टूट जाए मुझे डर था, तो सारा के रूम के डुप्लीकेट चाबी लेकर मैंने चुपके से उसके कमरे से उसका फोन उठा लिया और उस वीडियो को डिलीट करके उसमें नया वीडियो डाल दिया। इतने सालों से लोगों की नकल उतार रहा था, आज पहली बार मेरी इस काबिलियत की वजह से किसी की शादी टूटने से बच गई। अबे ओ सारा, तू तो एक बिल्ली की बच्ची निकली। रिजान सारा, I love you too much, three much, four much, five much. जब तक जिंदा हूँ तब तक मच मच मच। नहीं नहीं, ये गलत वीडियो है। ओरिजिनल वीडियो में ये आप सब लोगों को गंदी गंदी गालियाँ दे रहा था। जरूर कोई गड़बड़ है। मेरा भरोसा कीजिए प्लीज। बेटी, इतनी हाइपरटेंशन क्यों लेती हो? तुम्हारे दिमाग पे असर पड़ेगा। हम बैठ के बात करते हैं ना, या फिर एंगेजमेंट खत्म होने के बाद बात करेंगे। आधा समझाए क्या? देखो तुम इस वक्त मेरे लिए अपसेट हो। मैं पागल दिखाई देती हूँ क्या? मैं पागल नहीं हूँ, मेरा भरोसा कीजिए। मैं पागल नहीं हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। सॉरी, हाँ पहली बार सुसाइड कर रहा हूं ना, इसलिए थोड़ा नर्वस हूं। तुम बताओ, क्या तुम्हारा भी फर्स्ट टाइम है? ये क्या कर रही हो?
तुम्हारे इस तरह मरने के बाद मैं शादी करूंगा क्या? उस दिन गन के साथ कितनी जोश में थी, मैं तो डर गया था। क्या स्टाइल था ये? स्टाइल नहीं, पागलपन है। तुम जैसी पढ़ी लिखी काबिल लड़की प्यार के लिए सुसाइड कर रही हो, उससे तो अच्छा है कि तुम मुझे ही गोली मार दो। मैं मानता हूं मैंने झूठ बोला, वो बहुत भरोसा करती है। तुम एक साइकोलॉजी स्टूडेंट हो, अगर हमारी शादी रुक गई तो सारा शायद मर जाएगी। अब आगे तुम्हारी मर्जी, सोच लो। एक लड़की बिल्डिंग की छत से सुसाइड करने की कोशिश करेगी तो लड़के का रिएक्शन कैसा होगा, आज देख लिया मैंने। अपना फोन दो मुझे, दो ना। सच कहूं तो तुम मेरे टाइप के ना बिल्कुल भी नहीं हो, इसीलिए अपना नंबर डिलीट कर रही हूं। अब से तुम्हारी लाइफ में सिर्फ एक ही सारा रहेगी। ओके, हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। बिना बोले अपन दुबई भाग कर आ गया। ये तो उठा ही नहीं रहा है। अरे भंटा फोन तो उठा, तेरे से बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करनी है। तू जब तक फोन नहीं उठाएगा अपन ट्राई करेगा। इस दिन के लिए मैंने बहुत पापड़ मिले हैं। गोवा में ना एक डेमेलो स्ट्रीट है ससो, वहाँ चटनी करके एक रेस्टोरेंट है, उसके फिश के पकोड़े बहुत ही गजब के हैं। आते समय कम से कम 3-4 प्लेट तो पैक करवा के लेके आना, ठीक है? बाय अमरूद। ए तुम्हारा दोस्त दुबई राजा। हेलो, सॉरी बच्ची, बिना बताए अपन वोट लिया उधर से। अपन ने बताया था ना कि दुबई में अपन का बड़ा 4 होटल है, अब बेटा इतने दिन बाहर रहेगा तो काम कैसा चलेगा? इसलिए आज वापस आकर ऑफिस में सबकी रिपोर्ट ले रहा है, पता है ना? अच्छा बंटा है, तू अपन का फोन नहीं उठा रहा था। आकाश ने अपन को सारी बात झाड़ू की तरह एकदम साफ साफ बता दी। बंटा है कसम से बोलता हूँ, तू ना दुनिया का सबसे लकी लौंडा है, और सारा जैसी मासूम लड़की आपने आज तक कभी देखी नहीं है भाई। अगर उसने वो गालियों वाला वीडियो देख लिया ना तो तेरा गेम खल्लास भाई। भले ही उसकी शक्ल फूल जैसी खूबसूरत हो लेकिन उसका भेजा तो 100% खाली है भाई। तिरु, बाथरूम हो या बेडरूम हो, डेली एक बार साफ करो तो ही एकदम क्लीन रहेगा। ठीक उसी तरह तेरा दिमाग भी एकदम क्लीन रहना चाहिए, और इसके लिए सारा को वो भेजा हुआ वीडियो है तुझे हर दिन सुबह उठते ही देखना ही होगा, जिससे तू दोबारा ऐसी घिनौनी हरकत कभी भी वापस ना कर बैठे। सेफ्टी के लिए मैंने उस वीडियो को सेव करके रखा हुआ है और अभी इसी वक्त तेरे को सेंड कर रहा हूँ। अभी तो तू मानता है ना एंड तक साथ निभाने वाला ही होता है फ्रेंड। अबे ओ सारा, मैं तो पागल हो गया था तेरे झूठे प्यार में।